नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूं मैं, और ये पर्टिकुलर वीडियो एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक स्विंग ट्रेड आपके लिए लेकर आ रहा हूं। अगर किसी को नहीं पता स्विंग ट्रेड क्या होता है, तो यानी कि अगर आप एक दिन से 6 महीने के अंदर अंदर किसी शेयर को होल्ड करके बेचते हैं तो उसे स्विंग ट्रेड कहा जाता है। स्विंग ट्रेड के बहुत अलग होते हैं कि एक दिन से एक हफ्ते तक होल्ड कर सकते हो तो उसे स्विंग ट्रेड कहा जाता है, एक दिन से 3 महीने तक कर सकते हो, तो सबके अलग अलग कहने हैं। पर मेरे को जो लगता है मैं आपके सामने वो बता रहा हूँ कि एक दिन से लेकर अगर 6 महीने तक कोई शेयर को आप होल्ड करते हो तो वो स्विंग ट्रेड होता है। सो गाइस एक स्टॉक आपके सामने लेकर आ रहा हूँ फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, जो कि है अबॉट इंडिया। अबॉट इंडिया बहुत कम लोगों ने ये सुना होगा, पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में ये पर्टिकुलर ऐसा स्टॉक है, क्योंकि इसका जो प्राइस है, जो इसका करंट मार्केट प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा महंगा है। ये महंगा स्टॉक है तो इसके बारे में न्यूज़ में भी बहुत कम बात होती है, बट ये बहुत बढ़िया कंपनी है। अकॉर्डिंग टू अगर हम सेक्टर के अंदर और भी स्टॉक्स की बात करते हैं, और भी कंपनीज की बात करते हैं, तो ये बहुत बढ़िया कंपनी है, और मुझे लगता है कि ये 25% का रिटर्न अभी दे सकती है अपने करंट लेवल से आपको 3 महीने के अंदर अंदर। सो वो आपको मैं चार्ट्स में लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि ये क्यों स्टॉक है और क्यों इतना बढ़िया रिटर्न दे सकता है, और ये स्टॉक मैंने क्यों सेलेक्ट किया था और इसके पीछे का रीज़न क्या था वो भी आपको दिखाऊंगा। चार्ट्स में भी क्या रीज़न था और प्लस एक न्यूज़ थी उसके बेसिस पे भी आपको बताया था। तो गाइस सबसे पहले हम चार्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर गाइस चार्ट ओपन करके बैठ चुका हूँ। उससे पहले कि गाइस आपको पता होगा कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो टेस्टिंग होती है गाइज, वो टेस्टिंग इंडिया पे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो रही थी, क्योंकि हमारे पास जो टेस्टिंग करने की मशीन्स थी वो ज़्यादा अच्छे से नहीं थी, और बहुत 6 घंटे में टेस्ट के रिजल्ट्स आते थे, तो उस तरीके से हम बहुत लोगों का रिजल्ट को कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, और उनके जो टेस्ट के रिजल्ट थे वो बहुत लेट लेट आते थे, तो उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम होती थी। सो गाइज आप लोगों को अगर वो न्यूज़ याद होगी कि एक टेस्ट किट आ रही है इंडिया में, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी लेकर आ रही है, वो खुद एक अबॉट है, अबॉट इंडिया इंडस्ट्रीज एंटीबॉडी टेस्ट किट इन इंडिया। यानी कि ये जो मशीन है, ये जो टेस्ट किट होगी, ये 1 घंटे के अंदर अंदर 100 से 200 टेस्ट ले लेगी और उसी टाइम आपको रिजल्ट बता देगी कि इस पर्सन को एंटीबॉडी के थ्रू पे ही वो पता लगता है कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं कि नहीं है, क्या वो इन्फेक्टेड है कि नहीं है। सो ये कंपनी इंट्रोड्यूस लेकर आ रही है इंडिया पे, जो कि बहुत बढ़िया है। ये गाइस एक अबॉट कंपनी जो है वो गाइस एक यूएस की कंपनी है, जिसका अगर हम बात करें पेरेंट कंपनी जो है अबॉट वो यूएस की है, बट अगर सब्सिडरी की बात करें तो वो अबॉट इंडिया वो हमारे इंडिया में है। और गाइस अभी भी जो रिप्लेस चाइना का जो मुहिम चालू है, वहाँ पर भी इंडिया कोशिश कर रहा है कि जो अबॉट लेबोरेटरीज हैं उसकी बहुत सी बहुत यूनिट्स वो इंडिया के अंदर सेटअप करने की कोशिश करें, तो इसके लिए आने वाले 2-3 महीने बहुत अच्छे हैं। आप देख सकते हैं मे एंड यानी कि जून स्टार्ट हो चुका है, किट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी हमारी मार्केट पे, इंडिया मार्केट पे, तो उसके लिए बहुत अच्छा है और ये पर्टिकुलर कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है। अब आज आप देखेंगे कि कंपनी में एक हमने पर्टिकुलर स्टॉक में आज हमने 3% का रिटर्न देखा, 3% का उछाल देखा, और मुझे लगता है कि इस लेवल से भी ये बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है। गाइज एक सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो क्लोज हुआ है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो गाइज क्लोजिंग प्राइस है 17,160 का। हाँ गाइस ये थोड़ी महंगी कंपनी है, 17,160 का करंट प्राइस है, यानी कि बहुत महंगी कंपनी है, बट इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोग सोचते हैं गाइस एमआरएफ अगर 20,000 का था तब आप लोग सोचते बहुत महंगा, मैं नहीं लेता, वो 20 से 40 हुआ, 40 से 60 हुआ, आप महंगे के चक्कर में नहीं लेते हैं, बट उसका रिटर्न जो आना होता है वो रिटर्न के चक्कर में आप उस पर्टिकुलर स्टॉक को नहीं ले पाते हैं। अगर आपको 20,000 रुपये एमआरएफ 2-3-4 साल पहले महंगा लगता था, तो अगर अब आपको 60,000 में वो मिल रहा है तो भी आपको महंगा लग रहा होगा, होने को हुआ 1-2 साल बाद, 5-6 साल बाद फिर अगर लाख रुपये का भी पहुँच सकता है, तो ये अगर महंगा स्टॉक है, अगर कंपनी अच्छा कर रही है तो हमें बाय करना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए अगर 50 रुपये का स्टॉक है तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी बाय कर सकता हूँ तो मुझे बढ़िया रिटर्न मिलेगा। हो सकता है कि वो कंपनी 50 रुपये से भी 3 रुपये रह जाए, आपको येस बैंक के बारे में पता है, आपको कितने स्टॉक्स के बारे में पता है, तो सब कुछ होने को हो सकता है, तो चूज़ बेस्ट कंपनी। और फार्मास्यूटिकल अभी तो गाइस बहुत बढ़िया चल रही है, सेक्टर ही बहुत बढ़िया चल रहा है और आने वाला ये साल भी बहुत बढ़िया करेगा।
तो बहुत बढ़िया कंपनी है, इन्वेस्ट कर सकते हो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी कर सकते हो। सबसे पहली बात मैंने अभी आपको क्या बताया, क्लोजिंग प्राइस है 17,160 का। अब गाइस मैंने अपने क्लाइंट्स को ये पर्टिकुलर स्टॉक कहाँ पर बाय करवाया था, 16,500 पे, 16,500 पे, यानी कि इस लेवल पे, ये जो रेड कलर की कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल पे मैंने अपने क्लाइंट्स को यहाँ पर बाय करने की सलाह दी थी, जो कि 27 मई था। ये पर्टिकुलर कैंडल है, 27 मई को हमने अपने क्लाइंट्स को बाय करने की सलाह दी थी। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरा व्हाट्सएप ऑन है, ये हमारे पेड क्लाइंट्स का ब्रॉडकास्ट का ग्रुप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऊपर अगर आप डेट देखेंगे यहाँ पे, जो कि 25 जून 2020 है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमने 26 मई को हमने यहाँ अपने क्लाइंट्स को दो लॉन्ग टर्म कॉल्स प्रोवाइड कराई थी बाय SBI एट 152। आज SBI का रिजल्ट आया, आप देख सकते हैं 8% बढ़ चुका है, बट हमने जिस प्राइस पे बोला है उसी का बॉटम बनाया है SBI ने, और वहां से मुझे हमारे क्लाइंट्स को 25% का रिटर्न दे चुका है अभी भी SBI। उसके साथ आप नीचे देख सकते हो, एग्जैक्ट हमने 26 मई को एग्जैक्ट 9:40 पे यहाँ पर बोल दिया था अबॉट इंडिया को बाय करना है 16,500 पे, टारगेट 17,400 से 18,200 का होगा। कोई बात नहीं, अभी भी हमारे लिए बाय बनता है। अगर आप लोग सोच रहे हैं महंगा हो चुका है, अभी भी बाय बनता है। अब आप कैसे बाय बनता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा गाइस। अब आपको यहां पर मैं जूम करके दिखाता हूं कि ये पर्टिकुलर जो पैटर्न है, इस पैटर्न पे क्या बन रहा है, इसमें पर्टिकुलर चार्ट में मैं क्यों ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूं, और ये स्टॉक मैंने 16,500 पे क्यों रिकमेंड करा। अब यहां पर आप देख सकते हैं एक बहुत तेजी से हमने गिरावट देखी, ठीक है, ये फॉल आया, ये फॉल अराउंड जो आया वो आया 19,000 से, लो इसने जो मारा है गाइस, यहां पर आप लो सही देख सकते हैं 16,100 का, ठीक है। अब आप देख रहे हैं उसके बाद से लेके अभी तक, ये देख रहे हैं, ये एक रेंज के अंदर काम कर रहा था। ये जो रेंज की स्टार्टिंग पॉइंट है गाइस, वो है 20 जून, ठीक है। आज रेंज का ब्रेकआउट दे चुका है, ध्यान से सुनिएगा, ये समझने की बात है, मैं बहुत अच्छे से और आराम से समझाता हूँ, इजी वे में, कि आपकी लर्निंग भी हो जाए, आपको स्टॉक के बारे में भी पता चल जाए। देख रहे हैं आप, देखिए ऊपर से नीचे आया, ये कितनी सारी कैंडल्स थी एक रेंज के अंदर काम कर रही थी, इस रेंज का आज ब्रेकआउट हुआ है। आज डेट क्या है, 5 जून की, आप देख सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं मान के चलूं 15 से 16 ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अंदर यहाँ पर हमने एक ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। अब यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है गाइस, तो अब यहाँ से जो मैं एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहा हूँ वो टॉप लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे गिरा, एक रेंज के अंदर आया, यहाँ से ऊपर बढ़ रहा है, तो इसका प्रीवियस टॉप तक ये जाता है अगर हमें रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हमने ये पर्टिकुलर स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करा। दूसरा और रीजंस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस रेंज के अंदर ये देखिए एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल आई थी, ये देखिएगा, ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल है। अब मैंने देखा ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनने के बाद मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि इसके नीचे अगर ये जाता है, नहीं जाता है, आप देखिएगा इसके नीचे गया पर शैडो आई और फिर ऊपर जाके बंद हो गया। पहली कन्फर्मेशन मुझे मिल गई थी, दूसरी कन्फर्मेशन मुझे मिल गई थी यहाँ पर भी इसके नीचे इसने क्लोजिंग ही नहीं करी, इस रेड कैंडल के नीचे इसने क्लोजिंग नहीं करी और उसी के अंदर, यानी कि इनसाइड कैंडल्स के अंदर ही बनाते रहा, इस पर्टिकुलर रेड कैंडल के अंदर। फिर हमने देखा एक यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, सो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, और यहाँ पर आपने देखा होगा 3.5% का इसने रिटर्न भी दिया, 3.5% जाके इसने अपमूव दिया, 55% की गाइस इतने बड़े स्टॉक के अंदर डिलीवरी हुई है, इतने बड़े स्टॉक के अंदर 55% की डिलीवरी भी हुई है आज। तो हम कह के चल सकते हैं कि यहाँ पर लोग बाइंग अपनी पोजीशन बना रहे हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और एनालिसिस करके दिखाता हूँ। अब आप देखिएगा यहाँ पर आपको एक सपोर्ट दिख रहा होगा, ये देखिएगा, अब आप ध्यान से बात को देखिएगा, ये आपको सपोर्ट दिख रहा है, उसके बाद अगर आप यहां पर देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं दोबारा, ये मैं आपको रेट से डोनेट करता हूं यार,
अब आप ये चीज देखिएगा, ये चीज हमें क्या बता रही है और ये चीज समझने वाली होती है, क्योंकि अगर ये चीज बहुत लोगों को आ जाती है जो कि अभी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर उन लोगों को प्रॉब्लम आती है, यही चीज है जो हमें मार्केट में पैसा कमाने में मदद करती है और जिसका स्टॉप लॉस होता है वो बहुत कम होता है। अब कैसे होता है मैं आपको वो बताता हूँ। मैंने अपने जो फ्री ट्रेनिंग कोर्स में बताया था, कुछ लोगों को पता होगा अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा अगर मैंने आपको अपने फ्री ट्रेनिंग कोर्स के अंदर ये चीज बताई है। आप देखिएगा, ये स्टॉक ने एक रैली करी, रैली करने के बाद यहाँ पर हमें एक सप्लाई जोन देखने को मिला। अब देखिएगा इस रेजिस्टेंस, आपको पता होगा रेजिस्टेंस और आपको पता होगा सपोर्ट, ठीक है। मैं इन दोनों को लेकर नहीं चलता, मैंने इनको जो नाम दे रखा है, रेजिस्टेंस को देख रखा है सप्लाई जोन और सपोर्ट को दे रखा है डिमांड जोन, देख रहे हैं आप। अब ये देखिए जो रेड कलर का है, ये रेड कलर का जोन बना हुआ है, ये रेड कलर का जोन बता रहा है कि ये सप्लाई जोन है, ठीक है। और ये जो डिमांड जोन है वो गाइज ये ब्लू कलर का जोन है। अब हमें क्या बता रहा है, स्टॉक ऊपर गया, यहां सप्लाई देखने को मिला, स्टॉक नीचे आ गया, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया, इसको तोड़ दिया, ये जो सप्लाई था उस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया, दोबारा नीचे आया, अब यहां पर सपोर्ट ले रहा है। अब ये चीज क्या बताती है, ये चीज बताती है कि जो चीज पहले यहां पर सप्लाई जोन थी वो अब डिमांड जोन बन गई है, क्योंकि जब एक चीज ब्रेक होती है उसके बाद उसे रीटेस्ट करके पुल बैक करती है तो वो चीज सप्लाई से डिमांड बदल जाती है या डिमांड से सप्लाई हो जाती है। अब यहां से ही ऊपर गया, अब ऊपर देखा तो यहां पर मुझे एक फिर से सप्लाई जोन देखने को मिल रहा है, यानी कि सप्लाई जोन का मतलब क्या है, ऊपर से सेलिंग आ जाती है, डिमांड जोन का मतलब क्या है, इस डिम जोन पे आके बाइंग आ जाती है। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि इधर बाइंग आई, अब दोबारा इधर यहां पर रीटेस्ट करा इसने और एग्जैक्ट इसका ही लो मारा, अब मेरे पास आ गया, मैंने यहां पर देखा वेट कर रहा है, नहीं कर रहा है इसे, तीन दो यहां देख सकते हैं, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पांच दिन, मैंने पांच दिन वेट करा और देखा ब्रेक तो नहीं कर रहा, नहीं करा, मुझे सस्टेनेबिलिटी मिल गई, कंफर्मेशन मिल गया, मैंने अपने क्लाइंट्स को यहां पर 16,500 में बाय करने की सलाह दे दी। आज मैंने देखा यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो मैंने आप लोगों को भी बोल रहा हूँ अभी भी बहुत बढ़िया रिटर्न आपको मिल सकती है इस लेवल पे, यहाँ तक जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी है और इसके ऊपर जाने के भी मुझे 40-50% चांसेस लग रहे हैं। वो क्या है, उसके रीजन क्या है, वो भी देख लीजिएगा, वो भी देखिएगा इस। अब इतनी चीज आपको पता चल गई है जो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि आप लोगों को मैंने अपने वीडियो में बहुत बार बताया होगा, मैं इसको हटा देता हूं कि आप लोगों को बाद में कंफ्यूजन ना हो इस चीज की। हाँ, अब यहां पर आप देखिएगा, मैं इसको पूरे को एक जोन ले लेता हूं, ठीक है। अब इसको मैंने पूरे को एक जोन ले लिया, अब आप यहां पर देखिएगा, ये देखिए ये जो चीज है, ये चीज क्या बता रही है, अब ये चीज हमें बता रही है कि ये जो है, ये है पोल और ये है फ्लैग, यानी कि ये जो पैटर्न बना रहा है, ये पैटर्न बना रहा है फ्लैग एंड पोल पैटर्न, ये भी आपको मैंने बताया होगा, फ्लैग एंड पोल कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है, कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है ये, तो यानी कि अगर ये ऊपर जाके ऐसी एक रेंज के अंदर बंद होता है तो प्रोबेबिलिटी इसके 60-70% चांसेस होते हैं कि ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। और इसके जो टारगेट्स होते हैं, जो ये आप डिफरेंस देख रहे हैं ना, ये जो आप पोल देख रहे हैं, उतना ही पोल का ये टारगेट बनाता है, ठीक है गाइस। इसके टारगेट्स फाइंड करने का एक और रीजन, वो एक और चीज होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जिसे कहते हैं फिबोनाची एक्सटेंशन, फिबोनाची रेशियो नहीं, वो अलग चीज हो गई, फिबोनाची एक्सटेंशन अलग चीज होती है, ठीक है गाइस। तो ये पैटर्न बना रहे फ्लैग एंड पोल, हमने एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखी, एक रेंज के अंदर चल रहा है, अब जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट देता है ऊपर की तरफ, हमारे लिए एक फ्रेश बाय पोजीशन फिर से बन जाएगी, बट मैं आप लोगों को बॉटम पे दे रहा हूं, क्योंकि अगर हम यहां पर बाय करते तो हमारा टारगेट कुछ, हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो कुछ इस यहां पर होता, बट हम बाय ही एग्जैक्ट लो पे कर रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कुछ बनता ही नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस मुश्किल से मुश्किल 5-6% का स्टॉप लॉस होगा या 7% का स्टॉप लॉस होगा, बट यहां से यहां तक का ही रिटर्न ही 10% का है, और अगर इसके ऊपर जाता है तो यानी कि 30% का रिटर्न है जो हमारा टारगेट है। अब वो कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बताता हूं।
सबसे पहला टारगेट फाइंड करने का रिजल्ट का क्या है, और उससे कंफर्मेशन पाने के लिए मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का भी यूज करूंगा, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और आप देखना कि ये मैजिक होता है। अब आप देखिएगा गाइस, सबसे पहले मुझे टारगेट फाइंड करना है। जो टारगेट फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर देखता हूँ, या ये जो ये देख रहे हैं, ये जो पोल बचा हुआ है, इतना सा पोल बचा हुआ है, जो इतना पोल बचा हुआ है मैं उतना रेंज लेकर चलता हूँ, यानी कि इतना टारगेट मुझे लगता है कि आ सकता है यहाँ पर अगर ब्रेकआउट करता है। ठीक है, यह ब्रेक, अगर आपको फ्लैग एंड पोल के बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानकारी भी लेनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, फर्स्ट एंड अंडरस्कोर इन्वेस्टमेंट करके है चैनल हमारा, जाके ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी होगा, आपको जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको फ्लैग एंड पोल के बारे में बहुत अच्छे से समझा रखा है, और हमने दोबारा नया एक टॉपिक स्टार्ट करा है जो कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वो भी आप वहां पर जाके सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया इसको ब्रेकआउट करता है इसको, तो जो टारगेट्स आते हैं वो ये जो डिफरेंस है ना, ये वहां तक ये जा सकता है, उतना टारगेट ये पूरा कर सकता है। अब मुझे कंफर्मेशन चाहिए क्या एग्जैक्ट यहाँ तक जा सकता है, तो उसके लिए मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करूंगा, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, फिबोनाची रेशियो है इस तरीके का, और फिबोनाची एक्सटेंशन होता है इस तरीके का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं फिबोनाची एक्सटेंशन का यूज करता हूँ, वो क्या होता है, वो टॉप टू बॉटम टू बॉटम अप्रोच होती है, यानी कि मैं नीचे से ऊपर गया और ऊपर से क्लिक करके मैं दोबारा नीचे आऊंगा। अब यहां पर जो बनना चाहिए एग्जैक्ट जो टारगेट आता है वो टारगेट क्या आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा, टारगेट आ रहा है हमारा 161.8% का रिट्रेसमेंट लेवल, 161.8%, ये 1.168 देख रहे हैं, अगर मैं इसे परसेंट में करता हूं तो यानी कि 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन का रेशियो एग्जैक्ट, टारगेट भी एग्जैक्ट है, रेशियो भी एग्जैक्ट है, ये हमारा टारगेट है जो कि लेवल दिखा रहा है 22,230 का। हम कहां पर बाय कर रहे हैं, हम बाय कर रहे हैं 17,150 पे, टारगेट है 22,230, यानी कि अराउंड 5,000 पॉइंट्स का टारगेट है। 5,000 रुपये अगर आप एक शेयर को बाय करते हैं तो भी आपको मिल सकता है, सो क्यों ना बाय करें हम, क्यों ना यहाँ पर इन्वेस्ट करें। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि टोटल परसेंटेज वाइज आपको कितना मिल सकता है। ठीक है, वो आपको सारे यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। ये देखिएगा, इस लेवल पर बाय कर रहे हैं हम, ये देखिए सबसे पहला जो टारगेट, अगर मैं सिर्फ टॉप रखता हूँ, ये जो ऊपर फ्लैग का टॉप है, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है ये 7.5% का, 7.41% का रिटर्न दे रहा है सिर्फ यहां तक आने में। अगर मैं इसको टॉप तक लेकर जाता हूं तो ये बोल रहा है कि मुझे 28.5% का रिटर्न दे रहा है, 28.5% रिटर्न इज बेस्ट रिटर्न यू एवर सीन इन 3 मंथ्स। अब गाइस मैं स्टॉप लॉस अगर रखता हूं तो स्टॉप लॉस मेरा होगा अराउंड इतना, मेरा स्टॉप लॉस क्या बता रहा है, अब आप यहां देखिएगा, मेरा स्टॉप लॉस ये बता रहा है, स्टॉप लॉस मेरा है, यहां पर मैं लिख देता हूं 1,250 रुपए का, यानी कि 7% का। टारगेट क्या है, 5,000 का, यानी कि 28% का रिटर्न। अब ये जो आपको रिस्क और रिवॉर्ड दिख रहा है, यानी कि 1:4 का, एक का रिस्क है तो 4 का प्रॉफिट है, 1 रुपए का लॉस है तो 4 रुपए का फायदा है, तो ये ट्रेड बनता है कि नहीं बनता है स्विंग ट्रेड में, अब आप मुझे बताइएगा। अब मैं आपको ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूं। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने SBI क्यों इस लेवल पे प्रोवाइड कराया था तो वो भी आप देख लीजिए। SBI देखिए 187.8 पे इसकी क्लोजिंग है, एग्जैक्ट बॉटम पे, ये बॉटम देख रहे हैं 152 पे बाय कराया था। मंथली चार्ट भी ओपन कर रहा हूं मैं, कुछ और ओपन नहीं कर रहा। आप यहां देखिएगा, एग्जैक्ट इस बॉटम पे मैंने बाय करवाया अपने क्लाइंट्स को, यहां देख रहे हैं ये लाइन, यहां इसने सपोर्ट लिया 2016 पे आया था 150 रुपए के लेवल पे, और एक बहुत बढ़िया बाइंग आई थी 2014 पे आया था यहाँ पर 150 रुपए के लेवल पे, एक बहुत स्ट्रांग बाइंग आई थी यहाँ पर। इसने 2009 पे एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया था 150 रुपए के लेवल से। अब दोबारा रीटेस्ट करा 2020 पे, तो मैंने यहाँ पर अपने क्लाइंट्स को बाय करने की सलाह दे दी, खुद बाय बना ली, और आप देख रहे हैं अब मेरा टारगेट है 230 से लेके 220 से लेके 230 का, जो कि अचीव हो सकता है।
वेट करिए, वॉच करिए, फ्रेश बाय पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 190 के ऊपर बनाइए, या फिर अगर डिप मिले तो बनाइएगा, ठीक है गाइस। सो इसी के साथ मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। कंसेप्ट समझ में आया हो गाइस, वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक समझ में आया होगा, पैटर्न समझाए हैं वो समझ में आए होंगे। वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में लाइक बटन को स्मैश करिए और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए कि ये एनालिसिस बेटर थी कि नहीं थी, और इस तरीके से आप लोगों को समझ में आया, ट्रेड लेने का मन कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर ट्रेड ले रखा है तो भी मुझे बताइए, ट्रेड लेना चाहते हैं तो भी बताइए। सो गाइस इस पर्टिकुलर एनालिसिस के बारे में हम और वीडियोस बनाएंगे। पसंद आई होगी तो लाइक करिए गाइस। अगर मुझे यहाँ पर 500 से 1000 लाइक्स भी मिल जाते हैं इस वीडियो में तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए और ऐसे स्विंग ट्रेड्स लेकर आऊंगा, SBI जैसे, अबॉट जैसे, ठीक है गाइस। तो मैं इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं डेफिनेटली आप इस हमारे चैनल के थ्रू पैसा कमा के जाएंगे। सो मैं शिवांश बसीन आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो पे, साइनिंग ऑफ।